जय हिंद व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम दहेज प्रथा पर 10 लाइन का निबंध लिखेंगे। लाइन नंबर एक, दहेज प्रथा हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है जो भारत में कई वर्षों पहले से ही चली आ रही है। लाइन नंबर दो, दहेज प्रथा के अंतर्गत लड़की का पिता लड़की की शादी में लड़के के परिवार वालों की मांग पर पैसे या वस्तुओं को देता है। लाइन नंबर तीन, पहले के समय में लोग अपनी बेटियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार के रूप में गहने या अन्य चीजें देते थे। लाइन नंबर चार, पर धीरे धीरे यह लालच में बदल गया और लड़कों की तरफ से मांग होने लगी कि हमें इतना पैसा या गाड़ी चाहिए, तभी हम आपकी बेटी से शादी करेंगे। लाइन नंबर पांच, यदि लड़की का पिता दहेज देने में असमर्थ रहता है तो लड़के वालों के घर वाले शादी के बाद लड़की को सताते हैं और लड़की का सम्मान भी नहीं करते हैं। लाइन नंबर छह, दहेज के इसी कुप्रथा के चलते हमारे देश की कई बेटियों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और कुछ बेटियां तो तंग आकर आत्महत्या जैसे अपराध को भी कर बैठती हैं। लाइन नंबर सात, दहेज प्रथा के कारण ही हमारे देश में लड़कियों को जन्म लेने के पहले ही कुछ लोग उन्हें मार देते हैं। लाइन नंबर आठ, दहेज प्रथा को कम करने या खत्म करने के लिए कई सारे कानून भी बनाए गए हैं, पर यह कानून सिर्फ कागजों पर ही रहते हैं। हकीकत तो हमेशा एक अलग ही सच को बयां करती रहती है। लाइन नंबर नौ, आज हम युवाओं को देश के अन्य लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। लोगों को यह बताना होगा कि उनका गुजारा दहेज लेकर ही नहीं हो सकता, इसलिए दहेज प्रथा को खत्म करें और हमारे देश की बेटियों के जीवन को एक सम्मानित जीवन बनाएं। लाइन नंबर 10, मुझे लगता है दहेज प्रथा को रोकने के लिए हमें किसी कानून की जरूरत नहीं, बल्कि भारत की हर एक बेटियों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। अगर वह आत्मनिर्भर होंगी तो लड़की के माँ बाप को दहेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हमारी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना